ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं शनिवार के दिन जिन लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों का स्वभाव कैसा होता है, उनका रूप रंग कैसा होता है, जीवन में वो क्या क्या करते हैं और कितना सफल होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, जिन लोगों का जन्म शनिवार के दिन होता है ये लोग थोड़े लंबे कद के होते हैं, इनका रंग सांवला होता है, इनके जो बाल हैं वो आप देखेंगे बिल्कुल उसमें चमक नहीं होगी, थोड़े बिखरे हुए रहेंगे और मोटे होंगे। साथ ही इनके चेहरे पर एक प्रकार की एक जिसे कहा जाए कि स्वार्थ लिप्तता आप दूर से ही देख के पहचान लेंगे। ये आदमी सिर्फ अपने काम से मतलब रखेंगे, हमेशा अपना काम हुआ तो ये तुरंत सामने वाले से दोस्ती तोड़ लेना या उससे अपने संबंध समाप्त कर लेना, ये इनके बाएं हाथ का खेल है। क्योंकि ये धन के बहुत लोभी होते हैं, धन का जहाँ भी मामला आएगा ये अपना विचार व्यवहार सब भूल जाएंगे अपने धन को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए इनके अंदर इतनी स्वार्थपरता होती है कि ये अपना काम करने के बाद ये कहा जाए कि दूसरे की मदद करने का जरूरत नहीं समझते हैं। ऐसे लोग होते बहुत चालाक हैं, आप बातचीत करने में इनको देखेंगे ये इतना मक्खन पालिश करके बात करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यह आदमी इतना आज मीठा मीठा क्यों बोल रहा है। काम हुआ 9-2-11। दूसरी चीज क्या है कि ये कठोर हृदय के होते हैं, बहुत दया इनके अंदर ना के बराबर होती है, इसी कारण कि स्वार्थपरता लोगों से ही दोस्ती होती है। इनके ऊपर विश्वास करना, वैसे तो ऐसा नहीं कि ये कोई धोखा देते हैं या किसी के प्रेत होते हैं, लेकिन ये बहुत काइयां होते हैं, अंदर से बहुत चालाक होते हैं और हमेशा धन को प्राप्त करना ही इनका एक उद्देश्य होता है। ऐसे लोग भंगार का काम करते हैं, पुरानी चीज़ें लोहा लक्कड़ इत्यादि से संबंधित काम करते हैं। इनमें एक विशेषता ये आप देखेंगे कि ये लोग कोई भी पुराना से पुराना सामान जल्दी फेंकेंगे नहीं, उसको सुरक्षित रखेंगे, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इस सामान को निकाल के उस सामान में फिट करके, विशेषकर मशीनरी सामान ये ज़्यादातर बहुत दिनों तक रखे रहेंगे। पहनने ओढ़ने के इनके अंदर आप देखेंगे कोई बहुत शौक नहीं होता है, साधारण कपड़े और कपड़े भी अपने रूप अनुकूल ही पहनेंगे। बनना ठन्ना तो इनके अंदर ऐसे आप लगेगा जो भी आया पहन लिया काम पे चल गए। मेहनती बहुत होते हैं, समय के पाबंद बहुत होते हैं। इनको आप कोई भी मेहनत का काम कर दो और इनको उसमें इनका व्यक्तिगत लाभ है, बहुत जल्द से जल्द वो काम निपटाएंगे और उस काम को पूरा करते ही तुरंत दूसरे काम में भी ये लग जाते हैं। हाँ, ये है कि ये अपने उम्र के से पहले ही वृद्ध दिखने लगे हैं। इनके चेहरे पे आप कभी भी देखोगे वो रौनक वो तेज जो चाहिए एक युवक को नौतरा वो नहीं रहे, शिथिल धीरे धीरे काम करने वाले। ये है कि आज्ञा मानते हैं। अब इनकी विशेषता यह है कि अगर कहीं दो लोगों को लड़ाना है और यह व्यक्ति आ गए तो ऐसा ये दोनों में टक्कर करवा देते हैं कि आदमी सामने वाला लड़के आपस में जूझ जाएगा और ये दूर से तमाशा देखने वाले हैं। इसके अलावा भी देखा जाए तो ये लोग चूंकि घर द्वार कहीं भी, ये ज़्यादातर नदी के किनारे नाला के किनारे कहीं भी जगह पर घर बना लेंगे, इनको कीचड़ इत्यादि की कोई चिंता नहीं होती है। बहुत घनी से घनी बस्ती में भी आपको शनिवार वाले लोग ज़्यादा घर पाएंगे। ये लोग घर भी बनाते हैं, शुरू शुरू में ये लोग जैसा कि झोपड़ा बनाया छप्पर बनाया ऐसा करके धीरे धीरे वो मकान को धीरे धीरे करके
मजबूत करेंगे, लेकिन ये कहा जाए कि ये शुरू से मजबूत घर खड़ा करें, ऐसा बहुत कम पाएंगे ये अपने जगह को। हाँ यह है कि पैतृक संपत्ति इनको मिलती है, माता पिता के भी आज्ञाकारी होते हैं और विशेषकर ये अपने पितृभक्त होते हैं। हाँ यह है कि ये अपने परिवार से वैसे तो ज़्यादातर दूर ही रहते हैं और कभी कभी तो ये देश विदेश भी चले जाते हैं और वहाँ बस जाते हैं। इनमें यही है कि इनके संतान जो होते हैं वो इनकी बातें मानते हैं और बिल्कुल इनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। कभी भी आप इनके संतान का विरोध नहीं पाएंगे, इनकी यही एक विशेषता है जिसके कारण ये आगे चल के समाज में अच्छा सम्मान पाते हैं, धन रहता है इनके। हाँ अब ये है कि ये हर तरह से जुआ शेयर सट्टा किसी भी तरह से अगर धन का आगमन होने का योग बन रहा है तो ये तुरंत उसमें हाथ आजमाएंगे। बहुत कम आप देखोगे कि ये लोग फेल होते हैं। आप शनिवार वाले ही व्यक्ति को देखेंगे कि यह दूसरे के धन से मौज करता है, क्योंकि चापलूस होते ही हैं और बातचीत में ये बहुत ऐसा मीठा मीठी बात करेंगे कि आदमी कोई भी समझदार से समझदार भी धोखा खा जाता है। बाकी देखा जाए तो अगर ये राजनीति में भी आए तो राजनीति में ये नेता बनने की बजाय कोई पार्टी में पद पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो ये लोग वकील वगैरह होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं और ये जलयान का कोई भी क्षेत्र है उसमें भी ये सफल पाए जाते हैं। विशेषकर जलीय कार्य में, जैसे कि जल से संबंधित कोई कार्य हुआ, नौका वाहन या जल से संबंधित मछली मोती शंख आदि के व्यापार से भी ये धन कमाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा धन ये लोहे के कारोबार से करते हैं। नौकरी भी करते हैं तो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, कुछ वर्षों करेंगे फिर दूसरी जगह नौकरी बदलेंगे, वहाँ पर भी करेंगे, लेकिन हमेशा अपने अवसर को ये ढूंढते रहते हैं। आप बहुत ही कम पाएंगे कि कोई व्यक्ति एक जगह पे नौकरी में लगा और लास्ट तक वो नौकरी करता रहा, क्योंकि इनका हमेशा उथल पुथल भरी जिंदगी रहती है। थोड़ा ये देखा गया है कि ये थोड़े जीवन में जब शुरुआत इनका जन्म होता है तो वो एक मध्यम परिवार से संबंधित रखते हैं, इसलिए इनको थोड़ा गरीबी का जो है वो अच्छा अनुभव होता है और हमेशा ये गरीबी को दूर करने के लिए ही धन एकत्रित करने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ यह है 50-60 साल के बाद ये अच्छा खासा धन घर मकान आदि हो जाता है, लेकिन ये कोई भी सामान नया नहीं खरीदेंगे। जैसे गाड़ी भी खरीदेंगे तो सेकंड हैंड की खरीदेंगे, ये इनकी एक विशेषता है, और कम से कम रेट में अच्छी चीज़ खरीदेंगे। लेकिन बहुत कम आप पाओगे कि नया चीज़ ये जाकर शोरूम से खरीदें और अपने घर में लावें, इनको ये पसंद ही नहीं होता है। इनको बस कोई भी सेकंड हैंड की चीज़ हो, अच्छे पोजीशन में हो, लाते भी हैं और उसका भरपूर उपयोग भी करते हैं और समय आने पर उसको अच्छी कीमत में बेच भी देते हैं, इसलिए ज़्यादातर ये क्रय विक्रय के मामले में ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों को आप देखेंगे मार्केट में, शेयर मार्केट में पाएंगे, दलाल क्षेत्र में पाएंगे, लेकिन अगर ये कहीं फिल्म इत्यादि कला क्षेत्र में भी गए तो ये गीत संगीत इत्यादि के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। इन लोगों का शुभ दिन शनिवार होता है, शुभ देवता इनके शनि भगवान होते हैं, शुभ रंग काला होता है और भाग्यांक इनका 8 नंबर होता है। हाँ अगर शनिवार वालों को शनि की दशा में या शनि का ग्रह कमजोर है तो ऐसे लोगों को विशेषकर दान देना चाहिए, बुजुर्ग लोगों को इनको दान देने में अधिक लाभ होगा। मुझे आशा है कि मैंने आप लोगों को शनिवार के दिन का जो लोगों का बताया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं आप लोगों को अन्य विषयों पर बात करते रहेंगे। नमस्कार।